बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हमारे साथ आए हुए राज्य के उपाध्यक्ष और सभी सम्मानित साथियों, इस आमरण अनशन पर अपनी एकजुटता दिखाने के लिए उपस्थित सभी दल और आम नागरिक पत्रकार बंधु, इस राष्ट्र में शिक्षा के लिए अनशन करना पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके बावजूद भी आप साहस पूर्वक कह रहे हो कि मैं देश को चला रहा हूं, प्रदेश को चला रहा हूं। यदि शिक्षा नहीं तो मनुष्य की कौन सी आवश्यकता पूर्ति कर रहे हो? केवल मजदूर बनाने के लिए देश नहीं है। गुलाम भारत में जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का अभियान चला था, वह कुछ लोगों को कुर्सियों पर बैठाने के लिए नहीं था। जो प्राप्त नहीं था अधिकार, उस अधिकार को देने और दिलाने के लिए ये भारत आजाद हुआ था। और आजाद भारत का संविधान उस समय के सबसे विद्वत जनों में एक, भारत के संविधान के निर्माता अंबेडकर साहब, जिस संविधान की रचना किया था उसमें शिक्षा का अधिकार। और आज के दिन भारत के संविधान में जिस तरह से शामिल किया गया राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, ये कोई साधारण नहीं। यदि पेट की भूख अनाज से मिटती है तो जो अंधेरा है व्यक्ति और व्यक्तित्व में, उसको दूर करने का काम ज्ञान जो प्राप्त होती है शिक्षा से वही करता है। यदि सदियों से जो अंधेरे में पड़े हैं, यदि आज भी अंधेरे में पड़े हैं, तो संघर्ष का विषय बनता है। ज्ञान प्राप्त करने की बात महात्मा बुद्ध ने भी की, ज्ञान प्राप्त करने की बात महात्मा गांधी ने भी की, ज्ञान प्राप्त करने की बात संविधान में बाबा साहब ने भी दर्ज की। ये हुकूमतें उस निर्देश से बाहर कैसे जा रही हैं? प्रश्न सामने है, याद रख लेना है आप। शिक्षा का मतलब निशान देने की जगह हस्ताक्षर करना नहीं होता है। एजुकेशन लिटरेसी मिशन नहीं है, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन है। तो एजुकेशन नाम की चीज नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी। कभी कभी इस देश के निहित स्वार्थ वर्ग जब कहता है समानता के आधार पर उनका अधिकार अधिक बनता है जो अधिक पढ़े लिखे हैं, वही प्रश्न है। महात्मा गांधी को मानने वाले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले, शहीद जगदेव बाबू को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले एक ही बात कहते हैं जिसे नहीं माना जा रहा है। अभी प्रतियोगिता समान करना चाहते हो इस देश में तो समान शिक्षा की व्यवस्था करें। समान शिक्षा नहीं, असमान शिक्षा में समान प्रतियोगिता कैसे? लाखों करोड़ के भवन में लाखों खर्च करके पढ़ने वाला उस व्यक्ति की प्रतियोगिता में है, वह कैसे टिकेगा जिसके पास स्लेट नहीं, पेंसिल नहीं, कागज नहीं, किताब नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, पेट में अन्न नहीं, लेकिन उन्हें गर्व है कि हम अधिकार हमें मिलना चाहिए प्रतिभा के आधार पर। जब हम सब
कहते हैं कि समान शिक्षा करो तो न्यायालय में लोग चले जाते हैं, क्या आदेश प्राप्त करते हैं न्यायालय से। सरकार अपनी शिक्षण संस्थाओं को भले बिगाड़ के रखी हो, अब निजी संस्थाओं को बिगाड़ने का आपको अधिकार नहीं है। क्या है निजी संस्था? लाखों करोड़ों का व्यापार। जिस मुल्क में शिक्षा बुनियादी अधिकार ना हो, जिस मुल्क में शिक्षा व्यापार का हिस्सा हो, वो शायद इस मुल्क के कुछ व्यापारी ही बर्दाश्त कर सकते हैं, भारत की करोड़ों करोड़ जनता बर्दाश्त नहीं। याद रखना, लालू जी जब कहते थे पढ़ो नहीं तो मरो, तो मजाक में करते थे। सचमुच इंसान जो नहीं पढ़ेगा वो जिंदा है ही नहीं, जिंदा लाश है। नहीं पढ़ने की व्यवस्था कौन करेगा? जो हुकूमत चलाते हैं, जो राज्य चलाते हैं, जहां विद्यालय नहीं थे वहां तक विद्यालय खोलने का काम किया गया। जब हम लोगों ने देखा कि गरीबी के चलते, परेशानी के चलते बच्चे विद्यालयों में नहीं आ पा रहे हैं, तो निर्णय किया था तत्कालीन सरकार ने, चलो विद्यालय वहां लेकर के चलो जहां लाचारी हमें बूढ़े मां बाप की शुश्रूषा सेवा के लिए हमें जानवरों को लोग चराते हैं। नाम दिया गया चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय चरवाहा बनाने के लिए नहीं था, चरवाहा विद्यालय मजबूरी में जो चरवाहे थे वहां तक विज्ञान की रोशनी ले जाने के लिए था। आज मैं कह रहा हूं बिहार की हुकूमत तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं साहस की प्रशंसा करता हूं उपेंद्र भाई का, इन्होंने अलख ज्योति जमाने के लिए आवरण संचार करके, ये कोई नई मांग नहीं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। कोई इंसान क्या जिसे शिक्षा देने की व्यवस्था न करे हुकूमत, शिक्षा देने की हुकूमत न करे। और सबसे बड़ी चीज की हुकूमत के सामने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्वालिफिकेशन के लिए राजनीतिक नेतृत्व आमरण अनशन करे, तो मैं समझता हूं कि वर्तमान हुकूमत को डूब मरना चाहिए। ख्याल कर लेना। इसके बाद भी उपेंद्र भाई ने बताया केवल 7 दिन की अनुमति दिया है मुझे यहां आवरण अनशन पर बैठने की। मित्रों, 7 दिन में क्या समझते हो बिहार के मुख्यमंत्री कि उपेंद्र जी जिंदा नहीं रहेंगे? इनकी अवधि तय किए हो? याद रख लेना नीतीश कुमार, भाई उपेंद्र को अभी कुछ हुआ तो सड़कों पर जो लड़ाई और जंग, उपेंद्र जी अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, झोपड़ियों में रहने वाले, ठेला चलाने वाले, खोमचा मजदूरी करने वाले, फावड़ा चलाने वाले, कुदाल चलाने वाले, सदियों से शोषित पीढ़ी, जिनके लिए हमारे सारे समाजवादी नेताओं ने शहादत दी, और सही जब बेबाबू को तो सीने पर गोली खानी पड़ी, वही नीतीश कुमार को हराना चाहते हो क्या? लेकिन भूलो मत, शहीद जगदेव बाबू ने जो जागृति पैदा किया था उसका परिणाम हुआ 90 में सरकार बनी शोषितों की, गरीबों की। उपेंद्र जी उसी अलग को जगाने के लिए आज आवरण अनशन पर बैठे हैं। यदि कुछ हुआ तो नीतीश तुम्हारा तख्त ताऊस से उतार करेगी जनता, और याद रख लेना 2020 तुम्हारे लिए सपना हो जाएगा। क्यों केजरीवाल साहब दिल्ली के भीतर क्वालिटी शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरा सर्वस्व धन का अर्पण कर सकते हैं, बिहार में क्यों नहीं हो सकता? गरीबों की पढ़ने के लिए संस्थान एक इंसान ने करके दिखाया, और निजी संस्थानों से भाग करके सार्वजनिक सरकारी संस्थानों में लोग जा रहे हैं। केजरीवाल को हटाने के लिए
मोदी तुम्हारा प्रयास चल रहा है, लेकिन केजरीवाल अज्ञानता को हटाने के लिए जो प्रयास किया उसकी नकल क्यों नहीं कर रहे हो, उसे क्यों नहीं हटाने का प्रयास कर रहे हो? भारत के संविधान को अक्षरशः दिल्ली यदि पूरी कर सकती है, दिल्ली की राज्य सरकार, तो भारत की सरकार और बिहार की सरकार भी कर सकती है, क्षमता है। आज नहीं हो रहा है तो अकर्मण्य और असक्षम लोग कुर्सी पर बैठे हैं। भारतेंद्र जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने इस अलग ज्योति को जो हमारे समाजवादी पुरखों ने अपनी शहादत देकर अपनी जीवन जिंदगी को देकर, याद रख लेना सभी कर्पूरी ठाकुर जी को गाली कितनी दी, जबकि उन्होंने कहा प्राथमिक विद्यालयों में धन नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, मेडल स्कूलों में पढ़ने वाले का पैसा नहीं लगेगा, हाई स्कूल में पढ़ने वालों का पैसा नहीं लगेगा। कैसे एक व्यक्ति स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जब तक कुर्सी पर नहीं आए, धन के अभाव में लोग अपने विद्यालयों में नहीं जा पाते थे, जब ये बैरियर हटा, जो धन रास्ते को रोका हुआ था, विद्यालयों में लोग आना शुरू किए। ख्याल कर लेना, गरीबों का विद्यालय में आना ही खड़यंत्र की शुरुआत हुई। जिन विद्यालयों में गांव के सभी लोग पढ़ते थे, समान शिक्षा के रूप में चाहे कम हो या अधिक, वहीं से असमान शिक्षा पैदा कर दी गई। निजी स्कूल, व्यापार, शिक्षा का जो हुकूमत चला रहे, वो संविधान को तोड़ रहे। इसलिए आप आवरण अनशन पर कोई अब निजी स्वार्थ, कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, आप जब राज्य शिक्षा मंत्री भी थे, उसके पहले भी जब हम सब यूपीए के पार्ट थे, तो सेंट्रल स्कूल खोलने की बात जब यहां आई, केवल सरकार को जमीन देना था। मैं याद करा दे रहा हूं, याद करना आप, और बाकी पूंजी निवेश भारत सरकार को करनी थी। अनेक संस्थानों को जमीन इन्होंने नहीं दी, क्या कह करके, या कमर्शियल रेट हम लेंगे जमीन का, जहां की सरकार पूरी पूंजी निवेश केंद्र की सरकार कर रही हो, जमीन देने से इनकार कर दे, वह कोई साधारण खड़यंत्र नहीं था, नीतीश कुमार सभी लोग समझ रहे हैं। आज राज्य में केंद्रीय विद्यालय नहीं खोलने दिया गया, और जाने अनजाने उसको और मजबूती प्रदान कर रहे हैं श्रीमान मोदी। संयोग से बड़ी शिक्षा के लायक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां गरीब का बेटा भी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लेता था, बड़ी डिग्री प्राप्त कर भारत की सेवा करता था, वहां विश्वविद्यालय को बंद करने की कगार पला दिया है। अब ऐसे समय में अभी संघर्ष की नहीं शुरुआत हुई, तो हमारे पुरखे आपके पुरखे माफ नहीं करेंगे कि जब विषमता थी, जब खड़ियन चल रहा था, तो हमारे आपके पुरखों का सवाल खड़ा हो जाएगा, कल आपकी संतान भी खड़ा करेगी सवाल, हमारे लिए आज की पीढ़ी ने क्या किया। इसलिए वर्तमान पीढ़ी की लड़ाई और संघर्ष है। संजोग से हम लोग कल परसों कुछ काम में लगे हुए थे, हम लोग के दल का कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम यहां भी शुरू, फिर भी हमारे दल के लोग, महागठबंधन के लोग अपनी एकता दिखाने के लिए आए, लेकिन उस एकता को कैसे हम लोग देखें, दिखाएं, खड़ंतकारियों ने एकता नहीं है उसको दिखाना शुरू किया। मैं लिखने वालों को, दूरदर्शन और टेलीविजन के लोगों से कहना चाहता हूं, एकता की बात आज मत करो, ये नायक जो बैठा है इस मंच पर आमरण अनशन पर, इसको दिखाओ कि किस उद्देश्य के लिए बैठा है यहां, बहुत चलाओ इस बात के लिए, बहुत को कार्यों से चलने दो। नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली हमारी बेटियों और बेटों को तो तुमने जमीन कल ही दिया, पूरे 70-72 सालों से हमारे बच्चों के पढ़ने की जो आजादी की और संस्थान ने दी, तुमने खुलने नहीं दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन राज्य की जनता ने तय कर लिया है और लसानी अब ना नसे, तो कल भाई
आप बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिस अभियान को नहीं पूरा कर पाया था जिन कारणों से, अब उस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हो। पूरी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन उपेंद्र जी के साथ खड़ा है, क्योंकि यह एक पवित्र मान है। हम जान देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम जान लेने के लिए भी पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन हम जानवर भी रहना नहीं चाहते। चल चले ये ज्ञान की देवी सरस्वती, केवल पूजा करने से ज्ञानी इंसान नहीं होगा, धन की लक्ष्मी से पूजा करने से भी आप धनी नहीं पाओगे। शक्ति की देवी की केवल पूजा करने से भी शक्ति आपके भीतर नहीं आएगी। आधुनिक युग की शक्ति वैज्ञानिकों के हाथ में, बुद्धिजीवियों के हाथ में है, और हक हमारा भी है, हमारे करोड़ों करोड़ों बच्चों का भी है कि वो ज्ञान प्राप्त करें। ये ज्ञान का अद्भुत लड़ाई का प्रस्थान बिंदु है ये, और ये प्रस्थान बिंदु अभी हुकूमत हम सबों के हाथों में आएगी तो हम लोग देश और दुनिया को दिखा देंगे कि उपेंद्र जी ने जिसके लिए आवेदन संघ किया था, हमने संस्थाओं को कैसे करा है। आओ ये माने तो ठीक, लेकिन उपेंद्र भाई लड़ाई लंबी है, जान तो देना नहीं है। जान देने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए, उद्देश्य के लिए आदमी आगे बढ़ता है, नहीं बराबर एक बात ख्याल करता। आप जिसे बड़े उद्देश्य की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उद्देश्य की प्राप्ति करना है, जीकर स्वस्थ रहकर ख्याल कर लेना, और आम आदमियों को नेतृत्व देकर। मैं एक दिन बातचीत में कहा था, हमने स्वास्थ्य पर ख्याल करना, लड़ाई लंबी है। इस लंबी लड़ाई के लिए मुस्तैदी से आदमी को स्वस्थ रहना है। कमजोर और गरीब बहुत आशा लगा करते, शहीद जगदेव बाबू को देखा था, उनको शहादत देनी पड़ी। लालू जी ने देखा, उनको कुर्सी से हटा दिया गया। कहीं ये कसाई लोग आपको भी, आपके जीवन को खतरे में न डालते। जीवन बचाना है अपने लिए नहीं, कुछ अभावग्रस्त आबादी के लिए, जिनके लिए आप सबों ने अपना जीवन दिया है। इसलिए बैठे हुए समर्थक हैं, ये प्रतीक है केवल यहाँ का संघर्ष। इस लड़ाई को ले चलना है वहां तक जहाँ गरीब गुरबा मेरी आंखों से आपको, हम सबको देख रहा है, उनका अधिकार तब होगा। इस अधिकार की गरीब और गुरुओं की लड़ाई में पूरी जोश खरोश के साथ बिहार के गरीब लोगों शामिल हो। अभी परिवर्तन का समय आवे तो परिवर्तन करके दिखाओ, और परिवर्तन करने के बाद जो अपनी हुकूमत बनाओ, जो आज मांग कर रहे हो उस मांग को पूरा करके दिखाए। यही संविधान हमसे अपेक्षा करता है। लड़ाई वहां जाके खत्म हो गया है। अगली शिक्षा हम व्यस्तता के चलते अपने साथियों के साथ नहीं आ पाए थे, आज हम आए हैं प्रतीकात्मक रहे, बल्कि अपने दल की तरफ से कहने के लिए लड़ाई चले, लड़ाई रुके नहीं। लड़ाई का परिणाम या तो हमारे बच्चों को ज्ञान और शिक्षा देने का प्रयास, स्वास्थ्य की रक्षा करने का प्रयास हो, या तो जो इस प्रयास में नाकामयाब रहते हैं उनको कोशिश से उतार डालो, ये वहां तक चलेगा गया। मैंने के शब्दों के साथ मैं आश्वस्त करता हूँ कि लड़ाई में पूरा महागठबंधन एक साथ है, और महागठबंधन में जो टूट की आशा देखते हैं, भूल जाते हैं, उनका सपना हम लोग तोड़ देंगे, लेकिन महागठबंधन कभी नहीं टूटेगा। उनका हम अभी टूटने वाले हम नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को ये बिखरने का भी सपना ये सालों से देख रहे हैं, कभी नहीं बिखरा। अरे गरीबों की लड़ाई जब तक खत्म नहीं होगी, क्या हम अपने लिए जीवन जी रहे हैं क्या? गरीबों की लड़ाई खत्म उस दिन होगी तो हो सकता है कि आराम में कोई चला जाए, लेकिन जब तक गरीबों के अरमानों का बिहार और भारत हम नहीं बनाएंगे, ये संघर्ष चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार, प्रणाम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।